हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 5th में जो ईवीएस का सब्जेक्ट है यूनिट 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। हमारा जो अगले वीडियो के अंदर जो हमने देखा था पेज नंबर 28 तक, जहां पर हमने देखा था कि जो नीतू करके जो गर्ल है उसको जो वॉमिटिंग और लूज मोशन का प्रॉब्लम था वो कैसे ठीक हुआ, जैसे कि ग्लूकोज की ड्रिप के हिसाब से वो उसे ठीक हुआ था। उसके बाद हमने टॉक एंड डिस्कस में एक क्वेश्चन आंसर देखा था। अब उसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर यहाँ पर पेज नंबर 29 पर देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि हैव यू एवर टेस्टेड अ ग्लूकोज, क्या आपने पहले ग्लूकोज का टेस्ट किया हुआ है? हाउ डज इट टेस्ट, उसका टेस्ट कैसा होता है? टेल योर फ्रेंड्स, आपके फ्रेंड्स को वो बोलना है। तो ग्लूकोज ज़्यादातर कैसा स्वीट होता है, जो हम पाउडर के फॉर्म में लेते हैं और फिर उसे पानी के अंदर डालते हैं, फिर हमारी बॉडी के अंदर मतलब ड्रिंक करते हैं। तो यहाँ पर मैं उसका आंसर लिखवाने वाला हूँ कि यस आई हैव टेस्टेड अ ग्लूकोज, मतलब मैंने ग्लूकोज का टेस्ट किया हुआ है पहले। अब उसका टेस्ट करता कि इट टेस्ट स्वीट, वो स्वीट होता है। तो बच्चों इसका आंसर है कि यस आई हैव टेस्टेड अ ग्लूकोज, मैंने ग्लूकोज का टेस्ट किया हुआ है। इट टेस्ट अ स्वीट, वो स्वीट लगता है, मीठा लगता है। तो बच्चों इसका आंसर आप लिख दो। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर दिया हुआ कि हैव यू और एनीवन इन योर फैमिली बीन गिवन अ ग्लूकोज ड्रिप, क्या आपके अंदर या फिर आपकी फैमिली, आपको या फिर आपकी फैमिली के अंदर किसी को ग्लूकोज ड्रिप दी हुई है? When and why, कब और क्यों, tell the class about it, और आपको क्या करना है क्लास में वो बोलना है। यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि आपके अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई और डॉक्टर ने आपको ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज की ड्रिप दी हुई है, तब आपने कब और कौन से टाइम पे और क्यों दिया था वो आपको दिखाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पर है उसका आंसर मैं लिखूंगा। तो स्टूडेंट इसका आंसर हमने देखा कि आई हैव सीन अ ग्लूकोज ड्रिप बीइंग गिवन टू ग्रैंड पेरेंट्स, जो हमारे दादाजी और दादी होते उनको ग्रैंड पेरेंट्स को जब हॉस्पिटल लेके गए थे तब हमने देखा था कि ग्लूकोज ड्रिप उनको दी हुई है। तो यहाँ पर उसका रीजन भी आपको बताना है। तो सबके रीजन अलग अलग तरह के होते हैं और स्टूडेंट आपको बोलने के लिए बोला है कि आप कब दिया था, जब हॉस्पिटल में लेके गए थे तब, बट क्यों दिया था वो आपको बताना है। तो जैसे कि सब स्टूडेंट का रीजन अलग अलग होगा, तो हम लोग जब क्लास में होंगे तब इसके बारे में और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। हाँ तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीतूज टीचर यूज टू टेल द गर्ल्स टू हैव ग्लूकोज वाइल प्लेइंग हुक, जो नीतू की टीचर थी वो यूज टू टेल द गर्ल्स, जो गर्ल्स थी जब ये हॉकी खेल रहे थे तब उनको ग्लूकोज देने के लिए, ग्लूकोज पीने के लिए बोल रहे थे। तो व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस, तो वो ऐसा क्यों करती होंगी, आपको कैसे क्या लगता है कि वो ऐसा क्यों करती होंगी, आपको सोचना है और लिखना है। तो बच्चों इसका आंसर हम कुछ इस तरह लिखेंगे। तो बच्चों इसका आंसर हमने लिखा है कि व्हेन वी प्ले टू आउटडोर गेम्स, जब हम बाहर की घर के बाहर की जो गेम्स खेलते हैं तब वी स्वीट अ लॉट, तो स्वीट का मतलब होता है पसीना, हमें बहुत पसीना आता है। विच रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ वाटर, उसका रिजल्ट क्या होता है, जो लॉस ऑफ वाटर सॉल्ट एंड शुगर। तो हमारी बॉडी में से जो वाटर का अमाउंट है, सॉल्ट और जो शुगर का अमाउंट है वो सब कम हो जाता है फ्रॉम आवर बॉडी। टू रिप्लेनिश दिस लॉस वी शुड हैव ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो जो बढ़ावा देने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो अमाउंट कम हो गया उसे बढ़ाने के लिए वो क्या करते हैं, वी शुड हैव ग्लूकोज सॉल्यूशन, आप हमें क्या करना चाहिए, ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेना चाहिए। तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख दो। तो बच्चों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट नीतूज पिक्चर एंड डिस्क्राइब व्हाट इज हैपनिंग, जो नीतू का पिक्चर हमें पेज नंबर 28 पे दिया हुआ है, देखो एक डॉक्टर बाजू में है और साइड में है, उसके बाद जो एक ग्लूकोज की ड्रिप है उसके हाथों में, जो पाइप के थ्रू एक सुई के जरिए उसके हाथों में लगाई हुई है, और नीतू क्या कर रही है, वो बेड पे सोई हुई है।
तो यहाँ पर वो पिक्चर में क्या दिया हुआ है और क्या हो रहा है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है. वॉट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है. हाउ इज द ग्लूकोज ड्रिप बींग गिवन, और उसे ग्लूकोज ड्रिप वो कैसे दे रहे हैं वो हमें बताना है. तो हम इसका आंसर यहाँ पर लिखेंगे. यहाँ पर उसका आंसर लिखा है हमने कि द पिक्चर्स शोज ग्लूकोज ड्रिप बींग गिवन टू नीतू. जो नीतू है वो पिक्चर में क्या दिया है कि जो ग्लूकोज ड्रिप है बींग गिवन टू, ग्लूकोज ड्रिप का किसको दे रहे हैं, नीतू को दे रहे हैं, वो पिक्चर में डिस्क्राइब किया हुआ है. आगे बोला है कि द ग्लूकोज सॉल्यूशन इज इन अ बॉटल. जो ग्लूकोज का सॉल्यूशन है वो इसमें है, बॉटल में है. अ ट्यूब एंड नीडल इज यूज फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी. एंड जो ट्यूब है, ट्यूब एंड नीडल, जो नीडल है, नीडल मतलब सुई, इज यूज फॉर सप्लाइंग ग्लूकोज टू द बॉडी. वो किस लिए यूज होता है, वो सप्लाई करने के लिए, बॉडी के अंदर ग्लूकोज सप्लाई करने के लिए ट्यूब एंड नीडल का यूज होता है. तो बच्चों इसका आंसर आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख दो. नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ देखो नीचे बॉक्स में मार्टिन्स विंडो. यहाँ पर है सिर्फ जो ये पोएम लिखे हुए हैं मैं सिर्फ आपको रीड करके सुनाता हूँ. यहाँ पर है कि हियर्स एंड ओल्ड स्टोरी, इट सीम्स सो फनी, देयर वाज अ विंडो इन मार्टिन्स टमी. एक्चुअल बाय मिस्टेक मार्टिन्स वाज शॉट राइट इन द स्टमक, इट ब्लेड अ लॉट. द वुड स्लोली हील्ड एंड वाज कवर्ड बाय स्किन, बट द होल वाज स्टिल देयर, यू कुड पीप राइट इन. Oh, what a chance for doctors to study what happens to the food inside the body. The story seems old, but it is really true. The secret of Martin's stomach help us all, me and you. यहाँ पर स्टोरी लिखने वाला कौन है, राजेश उत्साही, वो जो चकमक अगस्त 1985 को ट्रांसलेट बाय अनुपालाल के थ्रू ये स्टोरी दी हुई. यहाँ पर स्टोरी में अ स्टोरी ऑफ स्टमक विद अ विंडो देखो सेकंड उसके बाद 30 नंबर पे पेज के ऊपर दिया हुआ है कि स्टोरी स्टमक विद अ विंडो. ये स्टोरी में क्या होता है, एक मार्टिन करके सोल्जर है, उसकी बात बोलिए कि सोल्जर को क्या होता है, वो 18 इयर्स का होता है और वो एक सैनिक है. तो उसको जब वो बॉर्डर पर होता है तब उसे गोली लगती है और उसकी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ब्यूमोन को बुलाया जाता है और वो उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से करते हैं. जो वॉन जो घाव होता है वो साफ करते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर दवाई लगाते हैं, फिर उसे अच्छा करके ठीक करके भेज देते हैं. उसके बाद डेढ़ साल के बाद क्या होता है, डेढ़ साल के बाद वो रिटर्न आता है. फिर वहाँ दिखते हैं डॉक्टर तो क्या होता है, वो उसकी बॉडी के ऊपर जो स्टमक के ऊपर स्किन थे वो तो हो गई कंप्लीट, बट जो अंदर का होल होता है, जो गोली लगी हुई है, जो होल होता है वो एडजस्ट नहीं होता, मतलब वो घाव नहीं बढ़ता है. इसलिए फिर बाद में डॉक्टर वो स्किन रिमूव करके फिर देखते हैं तो उसका स्टमक पूरा अंदर से दिखाई देता है. जो भी खाना हम खाते हैं वो वहाँ पर, मार्टिन जो खाना खाता है वो वहाँ पर उसे दिखाई देता है, डॉक्टर को दिखाई देता है. फिर डॉक्टर को एक आइडिया आई और वो क्या करते हैं, वो उसके जरिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. वो उसके अंदर से जो डाइजेस्टिव जूस होता है, जो हमारा खाना डाइजेस्ट करता है जूस, वो लिक्विड, उसे वो अंदर से बाहर निकालते हैं. फिर उसके उसका जो टेस्ट होता है वो करते हैं. जो लिक्विड जूस बाहर निकालते हैं वो एक ट्यूब के अंदर रखते हैं, फिर उसके अंदर कुछ खाना रखते हैं, फिर देखते हैं कि खाना डाइजेस्ट होता है कि नहीं. तो हाँ, उनको देखने को मिला कि खाना डाइजेस्ट होता है. उसके बाद भी फिर वो क्या करते हैं, वो खाना जो ट्यूब के अंदर डालते हैं वही खाना वो मार्टिन को भी देते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि दोनों के अंदर डाइजेस्ट का जो टाइम होता है वो कितना होता है. तो बाहर क्या टेम्परेचर के अंदर जो टाइम होता है वो थोड़ा लॉन्ग होता है और जो मार्टिन के पेट के अंदर जो टाइम होता है वो नॉर्मली रहता है. तो यहाँ पर स्टोरी में हम देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है कि इन द पोएम यू रीड अबाउट अ सोल्जर कॉल्ड मार्टिन. हमने पोएम में क्या किया, एक सोल्जर उसका नाम था मार्टिन, उसके बारे में हमने देखा. इन 1822 ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड.
जब वो 1822 में कितने साल का था, 18 ईयर्स का था, एंड वॉज वेरी हेल्दी, वो बहुत वो हेल्दी भी था। वेन ही वॉज शॉट, जब उसे गोली लगी, ही गॉट सीरियसली हर्ट, और वो बहुत सीरियस हो गया। एट दैट टाइम डॉक्टर ब्यूमोंट वॉज कॉल्ड टू ट्रीट हिम। उस टाइम क्या हुआ, जो डॉक्टर ब्यूमोंट करके थे उसको, उनको बुलाया, ये मार्टिन की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ब्यूमोंट को बुलाया गया। डॉक्टर ब्यूमोंट क्लीन द वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग। डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया, जो वुंड, यहाँ पर वर्ड है वुंड, वुंड का मतलब होता है घाव, जो हमें कुछ लगता है तब उसका निशान वहां पर रहता है, तो हम बोलते हैं कि घाव अभी भरा नहीं है, तो वुंड का मतलब होता है घाव। उसके बाद है कि वुंड एंड पुट द ड्रेसिंग, घाव भर दिया, अच्छे से साफ कर दिया, एंड ड्रेसिंग, उसे दवाई भी, उसके अंदर दवाई भी डाल दी। आफ्टर वन एंड अ हाफ ईयर्स, डेढ़ साल के बाद द डॉक्टर फाउंड दैट मार्टिन्स वुंड हैड हील एक्सेप्ट फॉर वन थिंग। डेढ़ साल के बाद क्या पता चला कि डॉक्टर ने देखा कि जो उसका घाव है वो तो भर गया है, बट एक प्रॉब्लम है, ही हैड अ बिग होल इन ही स्टमक, उसके पेट के अंदर, स्टमक के अंदर बहुत बड़ा होल है, क्योंकि उसके स्टमक के अंदर एक गोली लगी थी, और जो गोली का निशान था उसकी वजह से क्या हुआ, वो होल पूरा नहीं भरा। अब उसके बाद है कि द होल वॉज कवर्ड विद अ लूज फ्लैप ऑफ स्किन, जो होल था वो किससे कवर था, लूज फ्लैप ऑफ स्किन, लाइक द वॉशर इन अ फुटबॉल, जैसे फुटबॉल के अंदर वॉशर होता है ना, एक पतली सी स्किन होती है, उसके नीचे जैसे होल पूरा हुआ रहता है, वैसे ही यहाँ पर हुआ था। प्रेस द स्किन एंड यू कुड पीप इनटू मार्टिन स्टमक, जैसे ही आप स्क्रीन को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, तो आपको मार्टिन का जो स्टमक है वो पूरा दिखेगा। उसके बाद देखें, नॉट ओनली दैट, द डॉक्टर कुड ऑल्सो टेक आउट फूड फ्रॉम द स्टमक बाई पुटिंग अ ट्यूब इन द होल, ये भी नहीं, अगर डॉक्टर चाहे कि उसका फूड निकालना है ट्यूब के जरिए, वहाँ पर से निकालना है, तो भी वो निकाल सकता है, ऐसा स्टमक उसका दिखता था अंदर से। डॉक्टर ब्यूमोंट फेल्ड, ही हैड फाउंड अ ट्रीजर, डॉक्टर ब्यूमोंट को लगा कि मैंने एक खजाना वहाँ पर फाइंड कर लिया है, क्योंकि उन्होंने पूरी उसकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम थी वो वहाँ पर उसे दिखती थी, उनको दिखती थी कि कैसे खाना अंदर जाता है, फिर जो खाना अंदर जाता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है, वो उनको वहाँ से दिख रहा था। तब उनको आइडिया आया कि इसका क्यों कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट भी किया जाए, तो यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि कैन यू गेज हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टमक, तो आपको पता है कि उन्होंने कितना टाइम लगाया होगा ये स्टमक के एक्सपेरिमेंट के लिए, तो 9 ईयर्स, तो कितना टाइम लगाया, 9 ईयर्स, मतलब 9 साल। ड्यूरिंग दिस टाइम मार्टिन ग्रू अप एंड गॉट मैरिड, ये टाइम में तो मार्टिन बहुत बड़ा हो गया और उसने मैरिज भी कर ली, बट एक्सपेरिमेंट उसके ऊपर जारी रहे। उसके बाद नेक्स्ट है कि एट दैट टाइम साइंटिस्ट डिड नॉट नो हाउ फूड वर्क डाइजेस्टिव, ये जो टाइम था उस टाइम साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, हमारी बॉडी में फूड तो जाता है, मतलब डाइजेस्ट कैसे होता है, जैसे कि हमने आगे देखा था कि फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, जो हमारे स्टमक के अंदर एक लिक्विड प्रोड्यूस होता है, लिक्विड के थ्रू हमारा फूड जो होता है वो डाइजेस्ट होता है, बट या ये टाइम तक तो साइंटिस्ट नहीं जानते थे कि फूड डाइजेस्ट कैसे होता है। हाउ डज द लिक्विड डाइजेस्टिव इन द स्टमक हेल्प, जो लिक्विड होता है वो कैसे स्टमक के अंदर फूड को डाइजेस्ट करता है वो भी किसी को पता नहीं था। डज इट ओनली हेल्प इन मेकिंग द फूड वेट एंड सॉफ्ट, क्या वो लिक्विड खाने को जो वेट यानी कि गीला बनाता है और सॉफ्ट बनाता है वो भी किसी को पता नहीं था। और डज इट ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन, क्या वो डाइजेशन में हेल्प भी होता है लिक्विड कि नहीं, वो भी किसी को नहीं पता था। तो अब आगे डॉक्टर ब्यूमोंट ने क्या किया वो हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्यूमोंट टूक सम लिक्विड जूस आउट ऑफ द स्टमक, तो उन्होंने क्या किया, जो मार्टिन के स्टमक के अंदर से उन्हें जो दिखाई देता था उनके अंदर से, स्टमक के अंदर से उन्होंने कुछ लिक्विड लिया और उन्हें ट्यूब के अंदर रख दिया। ही वॉन्टेड टू सी वॉट
वुड हैपन टू अ फूड आइटम केप्ट इन अ ग्लास फिल्ड विद ई. वो देखना चाहते थे कि जैसे कि ये ट्यूब है, तीन ट्यूब मैं देखता हूँ, ये ट्यूब के अंदर उन्होंने क्या किया, पूरा जो लिक्विड था स्टमक के अंदर से निकाला था, जो डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं उसे, वो उन्होंने क्या किया, ये ट्यूब के अंदर रख दिया. और फिर वो फाउंड करना चाहते थे कि मैं इसके अंदर कुछ फूड कुछ खाना डालूं तो ये डाइजेस्ट होता है या नहीं, वो फाइंड करना चाहते थे. बट आगे क्या हुआ कि वुड इट गेट डाइजेस्टेड ऑन इट्स ओन, क्या वो डाइजेस्ट होता है या नहीं, वो देखना चाहते थे. फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टूक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टमक. जो हेल्प, जो ट्यूब की हेल्प लेके उन्होंने क्या किया, जो स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस था वो निकाल दिया ट्यूब के अंदर. उसके बाद At 8:30 a.m. he put 20 tiny pieces of boiled fish in 10 milliliters of the juice. जो 10 milliliter का juice tube के अंदर भरा हुआ था, उसके अंदर 8:30 a.m. को क्या किया उन्होंने, जो fish, boiled fish, एक उबली हुई fish के जो छोटे छोटे pieces करके इसके अंदर इन्होंने डाल दिया. अब उसके बाद He kept the glass at the same temperature as that our stomach, about 30°C. जो हमारे स्टमक के अंदर जितना टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर उन्होंने सेट कर दिया वहां पर. जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर 30°C टेम्परेचर होता है, उतना ही टेम्परेचर उन्होंने यहाँ पर भी सेट कर दिया. उसके बाद दिया हुआ है When he checked at the 2 PM, उन्होंने जब 2 बजे चेक किया, he found that The pieces of fish had dissolved. पूरे रिमूव हो चुके थे, ये जो पीसीस, जो फिश के जो पीस डाले थे वो सब रिमूव हो चुके थे वहां पर. अब उन्होंने देखा कि डॉक्टर बीमोन ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट फूड आइटम. अब एक एक्सपेरिमेंट तो उनका सक्सेस हो गया, अब डॉक्टर बीमोन ने क्या किया, दूसरे भी कई खाने की चीजें होती है वो भी डाली और एक्सपेरिमेंट अपना जारी रखा. He gave Martins the same food at the same time and the compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. उन्होंने क्या किया कि जो भी फूड ये ट्यूब में डालते थे वही सेम फूड वो मार्टिन को भी देने लगे. ट्यूब के अंदर जो फूड डालते थे वही सेम टू सेम फूड मार्टिन को भी देने लगे. अब उन्होंने कंपेयर किया कि मार्टिन के अंदर जो मैं फूड डाल रहा हूं वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है और जो ये ट्यूब के अंदर मैं जो फूड डाल रहा हूं वो डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, वो उन्होंने क्या किया कंपेयर करना शुरू कर दिया. अब वो कंपैरिजन हमें टेबल के अंदर दी हुई है, वो कंपेयर करना शुरू कर दिया. और बाद में बोला कि ही रिकॉर्डेड, उन्होंने रिकॉर्ड किया हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल, उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर ये भी रिकॉर्ड किया हुआ है. अब हमें जो देखो बाजू में दिया हुआ है एक टेबल, टेबल के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, फूड आइटम, फूड की जो आइटम है वो दी हुई है, टाइम टेकन फॉर डाइजेशन, डाइजेशन के लिए कितना टाइम लेता है वो हमें दिया हुआ है. इन अ स्टमक, फर्स्ट है इन अ स्टमक, जो हमारे स्टमक के अंदर मार्टिन के स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लेता है वो दिया हुआ है. इन अ ग्लास विद द डाइजेस्टिव जूस, जो हमें बाहर की तरफ उन्होंने जो ट्यूब के अंदर डाइजेस्टिव जूस के अंदर जो फूड डाला है उसके अंदर कितना टाइम लेता है फूड डाइजेस्ट होने के लिए वो वहां पर दिया हुआ है. फर्स्ट है देखो अनबॉइल्ड मिल्क, अनबॉइल्ड मिल्क लिया उन्होंने, जो बिना बॉइल किया हुआ मिल्क होता है ना वो लिया उन्होंने. अब आगे बोला है कि स्टमक, स्टमक के अंदर कितना टाइम लिया, 2 hours एंड कितने मिनट्स, 15 minutes. उसके बाद जो बाहर की तरफ ट्यूब के अंदर जो जूस, डाइजेस्टिव जूस डाला था उसके अंदर कितना टाइम लगा तो 4 hours and 45 minutes. तो देखो ये हमारे स्टमक के अंदर है,
और ये आउट का एरिया, बाहर के जो हमने ट्यूब के अंदर जूस डाले थे उसका एरिया। तो याद रखिए, स्टमक के अंदर अनबॉइल्ड जो मिल्क है उसे डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगता है, 2 hours and 15 minutes, और यहाँ पर जो बाहर की तरफ टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला हुआ है उसके अंदर 4 hours and 45 minutes, तो बहुत टाइम का डिफरेंट है। जैसे कि स्टमक के अंदर हमारा जो खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जो आउट बाहर का एरिया वहाँ पर हमारा खाना डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर दूसरे भी एग्जाम्पल दिए हुए, जैसे कि बॉइल्ड मिल्क, उबला हुआ जो दूध है, मिल्क भी दिया हुआ है, उसको टाइम कितना लगता है, 2 hours, एंड उसके बाद जो डाइजेस्टिव जूस हमने बाहर की तरफ रखा हुआ था उसके अंदर डालते हैं तो कितना टाइम लगता है, 4 hours and 15 minutes। उसके बाद है फुल बॉइल्ड एग, तो 3 hours and 30 minutes। उसके बाद है 8 hours जो ट्यूब के अंदर लगते हैं, 8 hours। फिर हाफ बॉइल एग है वो वहाँ पर दिखाई देते हैं, 3 hours, और जो ट्यूब के अंदर 6, 7 and 30 minutes। जो रो एग बीटल 2 hours, 2 घंटे लगते हैं, और उसके बाद है 4 hours and 15 minutes। रो एग है वो 1 hour and 30 minutes लगता है, और उसके बाद जो ट्यूब में उसे 4 hours लगते हैं। तो हमने ये नोटिस किया, उसके बाद हमने ये नोटिस किया कि जो बॉक्स के अंदर हमें दिया हुआ है वहाँ पर स्टमक के अंदर जो खाना डाइजेस्ट होता है वो बहुत ही फास्ट स्पीडली डाइजेस्ट होता है, और जो बाहर की तरफ हम जो खाना डाइजेस्ट करते हैं वो बहुत ही स्लो होता है। तो हमने ये बॉक्स के ऊपर से डिसाइड कर दिया कि जो खाना हमारे स्टमक के अंदर डाइजेस्ट होता है उसका टाइम बहुत जल्दी होता है, मतलब फास्टली स्पीडली होता है, और जो बाहर की तरफ होता है वो बहुत स्लो होता है। तो बच्चों, मैंने आज आपको एक स्टोरी सुनाई, और स्टोरी के हिसाब से ये प्रूव करके दिया हमें कि खाना जो बाहर की तरफ हम देखते हैं, बाहर की तरफ हमने जो ट्यूब, डॉक्टर ने जो ट्यूब रखी, ट्यूब के अंदर जो डाइजेस्टिव जूस था वो रखा, तो उनके अंदर उसके अंदर जो फूड डाला उसमें टाइम डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, जो फूड डाइजेस्ट होता है उसके लिए वहाँ पर टाइम लगता है, और जो मार्टिन के स्टमक के अंदर जो फूड डाला हुआ वो जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने इतने तक देखा, पेज नंबर 31 पे जो ऊपर दिया हुआ है हमें एक बॉक्स, वहाँ पर हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की बात करेंगे क्वेश्चन आंसर, और उसके बारे में बात करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको लिखवाए वो आप अपनी नोटबुक में लिख देना। थैंक यू स्टूडेंट्स।